अगर आप लोगों को ध्यान हो तो एल्विश यादव ने ये चीज क्लियर करी थी कि वो शो से निकलने के बाद एक वेब सीरीज बना सकते हैं जिसके अंदर मनीषा रानी, एल्विश यादव, फुकरा इंसान तीनों ही देखने को मिलेंगे, जिसके चलते उन्होंने बात करते हुए मनीषा से इस चीज के बारे में पूछा और मनीषा ने क्या रिप्लाई दिया जरा वो देख लो। सुन, हम याद है हमने एक वेब सीरीज प्लान करी थी, मैं, तू, फुकरा, जिसमें हम वो बन रहे थे क्राइम वाले बंदे। हाँ। तो करें वो ना? तेरी तो फीस बढ़ गई होगी ना बहुत ज्यादा, तू तो स्टार है। मेरा डिमांड हाई डिमांड हो गया मेरा। जितना भी फीस बढ़ा आप एफोर्ड कर दोगे, हमको पता है। अब तो आप यार गर्भपति गर्भपति छठपति अब कोई सा पति। साथ के साथ उन्होंने आज की वीडियो के अंदर ये चीज बोली कि शायद वो बिग बॉस 17 में जा सकते हैं, होंगे कोई टीम मेंबर में से भी कोई जा सकता है बिग बॉस कम्युनिटी का, क्योंकि बिग बॉस वालों को इस चीज का पता चला है कि बिग बॉस में यूट्यूबर्स के आने के चलते उनका एंगेजमेंट रेट काफी ज्यादा हाई हो जाता है, जिसके चलते वो और भी कई सारे यूट्यूबर्स को बुला सकते हैं। मिथ पैट की कल हम लोगों को वीडियो देखने को मिली थी जिसके अंदर उन्होंने ये चीज बोली थी कि वो प्रॉब्लम में, जिसके चलते उन्हें हेल्प की जरूरत है, और उन्होंने आज वीडियो डाल दी जिसके अंदर बेसिकली उनका कोलैब वीडियो थी सीआईडी के जो सबसे ज्यादा फेमस बंदे हैं ना, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं। कोशिश कर रहा हूं, मुझसे हो ही नहीं रहा। हो जाएगी सॉल्व केस, देखते हैं। बॉडी के आसपास कुछ मिला? हां सर, ये केला मिला बॉडी के आसपास। केला मिला? वो भी आधा खाया होगा। ग्लास ला। कुछ बुरी सिचुएशन में तो नहीं है ये, लेकिन पता चला ये तो कोलैब वीडियो के लिए हाइप क्रिएट कर रहे थे। हाल ही के अंदर आइसो स्पीड के फादर ने आइसो स्पीड के ऊपर वीडियो बना के डाली थी, लेकिन वही वीडियो अब आइसो स्पीड के पास पहुंच गई जिसके ऊपर आइसो स्पीड का रिएक्शन किया था, आप लोग खुद देखो। I'm calling my dad. There's no way. Is this actually real? It's cause like, bro, I'm about to dead ass call my dad right now, bro. Is this shit real or not? Cause I'm about to real life call my fucking dad. I swear to God, wallahi, bro. Like, I'm not even trolling. Is this shit real? I showed him me. You can't believe. Yep, alright, bet. Okay, I'm calling. फुकरा इंसान काफी जल्दी हम लोगों को पुनीत सुपरस्टार के साथ वीडियो में देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली वीडियो शूट हो चुकी है, हर एक चीज हो चुकी है। मेरे को पता है मैं लाने में लेट हो गया, कल मैं आप लोगों को बता देता, लेकिन कल वीडियो ही नहीं आई। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से ये चीज शेयर कर देता हूँ। तो कैसे हो मेरे पांडा गैंग के चाहने वालों? तो पांडा गैंग को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी हवाएं। कौन सी हवाएं भाई? कोई भी हो सकती है। चैस तो नहीं छोड़ रहे? फुकरा इंसान से काफी लोगों ने काफी सारी चीजें पूछी, लेकिन एक कमेंट तो काफी ज्यादा अजीब था, आप लोग खुद सुनना। लेकिन उससे साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी चीज क्लियर कर देता हूँ, उन्हें एक ट्रॉफी मिली थी और ट्रॉफी किसने दी वो भी आप लोगों को पता चल ही जाएगा। अभी अभी ना मम्मी ने एक ब्लॉग अपलोड करा और उस पर ना किसी का पहला कॉमेंट मैंने ये पढ़ा कि अभिषेक डू यू हैव ओनली फैंस? हाँ भाई, यही है, ओनली फैंस बना हुआ मैं। गाइस, 1 मिलियन लाइक्स इस ब्लॉग पे एंड आई विल मेक एन ओनली फैंस चैनल फॉर यू गाइस। मम्मी। हाँ जी। अभी क्या हुआ है आपको पता है? क्या? अभी नोनू तू भी सुनियो, अभी मैंने वीडियो जो डाली कल वो ट्रेंडिंग नंबर 2 पे है, किसी ने कमेंट करा लगता है सेकंड की आदत हो गई है। कौन है? बस पे तो है। 20 मिलियन हो गए मेरे। ट्रॉफी उठाने की आदत तो नहीं है, बट हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेके आए हैं। देखो क्या की ट्रॉफी, ये किंग ऑफ हार्ट्स। छोटी मोटी ट्रॉफी नहीं देते हम, देते बड़ी ट्रॉफी। किंग ऑफ हार्ट्स अभिषेक मल्हन, फुकरा इंसान, मतलब इस चीज का शुक्रिया अदा तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा सपना जो अधूरा रह गया था। ये चीज काफी लोगों को पता भी थी। हाँ। कि कहीं ना कहीं अभिषेक डिजर्विंग है। हाँ। तो ये तो बनता है। बस उसके लिए ट्रॉफी नहीं अभी तक बनी थी, वो हमने कहा हम बनाएंगे। देखो मैं वहां गया तो दिल जीतते, दिल तो मैंने बहुत जीते। अरे बहुत जीते। ट्रॉफी ट्रॉफी ऐसी चीज थी जो जो रहती थी। एक प्रूफ हो चुका हुआ कि दिल जीतते ही जीते। आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन लिए थे और उन क्वेश्चन को निचोड़ा और जो जो उन्हें लगा हाँ ये पॉइंट सही है गलत है उसे लेकर वीडियो बनाई थी। लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता जो बिग बॉस मेकर्स थे उनका ये
प्लानिंग थी कि लास्ट वीक में आपको तोड़ने के लिए उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा जिसके चलते आपके साथ ये हुआ, तो उसके ऊपर फुकरा इंसान ने क्या चीज बोली आप जरा खुद देख लो। अगर राठौड़ ने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है, उसने बोला है डिड यू ऑल्सो फील दैट इन लास्ट वीकेंड का वार द मेकर्स हैड मेड एक्सेसिव प्रिपरेशंस टू ब्रेक यू बिकॉज दे शोड सिलेक्टेड वीडियोस ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ हाउसमेट्स व्हिच नेवर हैपेंड बिफोर इन एनी सीन। भाई मैंने इस बारे में कभी बात नहीं करी बट आई एक्चुअली वांट टू से दिस, यस मुझे ये फील हुआ था। मैंने हमेशा से बात बोली अपने आप को डिजर्विंग समझना, अगर गलत है तो फिर मैं गलत था, नहीं तो मैं गलत नहीं था। मानो तुम एक शॉपकीपर हो और तुम्हें ये फोन बेचना है, तो तुम ये बोलोगे ना कि भाई ये बेस्ट फोन है, तो तुम जब अपने माल को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो तुम उसको कैसे बेच सकते हो। सेम विद मी, भाई मैं उस वक्त मेरे से पूछा गया कि व्हाई डू यू कंसीडर योरसेल्फ द विनर ऑफ दिस शो, तो उसका जवाब मैंने दिया कि आई थॉट आई कैरीड दिस शो कंप्लीटली फ्रॉम डे वन। मुझे लगता है कि मैं डिजर्विंग हूं बिकॉज मैंने घर चलाया है, मैंने पूरा, बहुत ऐसी सिचुएशन थी जहां पर घर वाले नहीं चीजें ठीक कर पाते, जैसे बेबी का उसने अगर खाना बनाने से मना कर दिया था बट मैं बोलता था तो वो कर लेती थी। बहुत ऐसे डिसीजन थे जो मैं अपने एंड से लेता था, तो आई वॉज टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई डिमोटिवेट होता था तो मैं उसको मोटिवेट करता था। मैंने ये चीज बहुत बार बोली थी कि आई वॉन्ट कि ये सीजन द बिगेस्ट सीजन हो, मतलब अगर मैंने अपना बेस्ट दिया है उस शो के लिए तो अब शो अगर मुझे ट्रॉफी देगा तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है मैंने अपना बेस्ट दिया, नहीं तो मे बी मैं कहीं ना कहीं लोगों को मैं इतना पसंद नहीं आया। ये एक मेरा ओपिनियन था जिसको इतना स्ट्रेच करा और मेरी हर बातों को उठा उठा के, मतलब आप समझते हो एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी कि भाई इस बंदे को डाउन लेके आना, क्योंकि लाइक फर्स्ट वीक मेरा अच्छा नहीं गया था, उसके बाद से लाइक आई डिड माय बेस्ट इन द शो। अब उनको ये था कि अब क्या करें कि इसको तोड़े, तो तोड़ने के चक्कर में हर बात को काट पीट के इधर उधर से करके ऐसी एक मूवी बना दी जिससे मैं विलन क्रिएट हो जाऊं, मैं विलन बनूं घर का। बट मैं इसी के लिए मैं बोलता हूं कि आई लव यू गाइस सो मच, मतलब मैं आई गो डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत सारा प्यार किसिस बहुत सारी आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों का प्यार रहा इसलिए मैं कभी नेगेटिव वहां पर नहीं बना। नहीं तो मेकर्स ने आखिरी वीक में तो पूरा डिसाइड कर लिया था कि अभिषेक बनेगा विलन ऑफ द हाउस। मैं ये समझता हूँ कि मेरे को इतना प्यार अभी भी मिल रहा है आप लोगों से, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो, इस चीज पे मैं हमेशा यही बात बोलूंगा कि आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अपने आप को डिजर्विंग समझना गलत नहीं है। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, अगर आप अपने अंदर ही बिलीव नहीं करोगे कि भाई मैं बेस्ट हूँ, जिंदगी जियोगे कैसे, ये दुनिया जीतोगे कैसे अगर अपने आप को बेस्ट नहीं।